मधुमक्खियाँ कहते हैं अगर ये न रहीं तो दुनिया पर बड़ा संकट आ जाएगा। मधुमक्खियाँ न केवल लोगों के लिए शहद का माध्यम हैं, बल्कि कृषि में भी इनका बड़ा योगदान है। फूलों पर बैठकर ये परागण में मदद करती हैं, जो खेती के लिए बेहद आवश्यक है। देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। यूं तो भारत में मधुमक्खी पालन देश के अलग अलग क्षेत्रों में बरसों से पारंपरिक रूप से होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक रूप से किया जाने लगा है और इसे बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला है भारत सरकार के नीतिगत प्रयासों से। दरअसल किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने में मधुमक्खी पालन अहम साबित हो रहा है। भारत सरकार की कल्पना है कि जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन मधु क्रांति की भी हमने गति से प्रगति करनी चाहिए। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM की शुरुआत की है। इस योजना को लागू कर रहा है नेशनल बी बोर्ड। यह बताते हुए हर्ष है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वप्न मीठी क्रांति को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह मिशन देश के छोटे मझोले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त कदम है। NBHM का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना, मधुमक्खी पालकों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण का इंतजाम करना, प्रोसेसिंग सेंटर्स, बॉटलिंग यूनिट इत्यादि को स्थापित करने के साथ ही एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं, मधुमक्खी रोग नैदानिकी प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना और मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। मैं बी कीपर हूँ और मैं अपना रोजगार कमा रही हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा मिला है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान का भी प्रबंध किया है। जो हमारी भारत सरकार है उसने मधुमक्खी पालकों के लिए कई अच्छी योजनाएं लेके आई हैं। आज ये जो लेबोरेटरी आप देख रहे हैं ये उसी की देन है। पिछले सालों से NBHM नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत, जो कि नेशनल बी बोर्ड द्वारा संचालित है, इसके द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन एक लाभदायक काम है, इसमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। जहां एक ओर शहद बाजार में अच्छे दामों में बिकता है, वहीं इससे संबंधित अन्य उत्पादों के भी कई लाभ हैं, जैसे कि पोलन के लाभों को देखते हुए इसे सुपर फूड कहते हैं। वहीं बी वैक्स का प्रयोग कॉस्मेटिक के सामान, साबुन, परफ्यूम और मोमबत्ती इत्यादि में होता है। बीवी नम और रॉयल जेली का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में होता है। ये सभी उत्पाद बाजार में काफी महंगे बिकते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में किसान इस कारोबार से जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि स्वीट रेवोल्यूशन, एक मधु क्रांति आने वाली है, तो हम बहुत ही जोश से उस मधु क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पहले मंथली कमाते थे 30,000, अब कमाते हैं 50,000, इतना प्रॉफिट हुआ। किसानों के हित में भारत सरकार ने देश में 10,000 FPO बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें 100 FPO मधुमक्खी पालकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस कड़ी में सभी राज्यों में नेफेड, NDDB एवं ट्राइफेड के माध्यम से FPO बनाकर देश में हनी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। लगभग 1866 सदस्य हमारे FPO में शेयर होल्डर सदस्य हैं और हम मधुमक्खी से संबंधित शहद, मोम और अन्य सभी उत्पाद बेचने के लिए प्रयासरत हैं।
जहां 2014-15 में 80,530 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता था, वहीं 2021-2022 में ये मात्रा अब तक 1,25,000 मीट्रिक टन दर्ज की गई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब अपने देश का शहद विदेशों में भी धूम मचा रहा है। 2014-15 में भारत ने 29,580 मीट्रिक टन शहद निर्यात किया, जो 2020-21 में बढ़कर लगभग 60,000 मीट्रिक टन हो चुका है। पिछले दो साल से शहद के रेट भी इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं, जिससे बीकीपर्स को इससे अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। मधु क्रांति पोर्टल द्वारा शहद की ट्रेसेबिलिटी पर भी कार्य तेजी से चल रहा है, जो कि गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी में वृद्धि करके आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करने में मधु क्रांति का बड़ा योगदान साबित हो रहा है।